नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें जिसको सुनकर आपका दिन बन जाए। सुशांत सिंह की डेथ एनिवर्सरी। जी हाँ, बिग फैन सुशांत सिंह राजपूत की आज डेथ एनिवर्सरी है। उनको खत शांत हुए पूरा एक वर्ष कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी 677 दिनों में चार अफसर एक एक तथ्य खंगाल रहे हैं। यूएस से तक मदद मांगी, वकील बोले गला घोटा गया। एम्स के जिस सुधीर गुप्ता ने सुशांत की मौत को सुसाइड बताया, उन्होंने ही ओल्डली कहा था कि सुशांत के गले में जो निशान है वह स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोटने का निशान है, हैंगिंग का नहीं। बाद में गुप्ता ही इसे सुसाइड बता दिया। हम तो अभी यही पूछ रहे हैं कि जहां सुशांत लटका मिला उसके बावजूद वो बेड पर था, वो स्ट्रगल करता तो बेड पर चला जाता, जब लटक रहा था तो बेड पर उसकी बॉडी कैसे टच कर रही थी, ऐसे में वो मर कैसे सकता है। यह सवाल सुशांत सिंह के परिवार की तरफ से केस लड़ रहे वकील विकास सिंह से हुई बातचीत में उठाया गया है। बोरविल में गिरे मासूम का रेस्क्यू, 88 घंटे से फंसा राहुल, अब वीएलसी से उसे देख और सुन करेंगे ट्रेस। तैयारियां शुरू। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में बोरविल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे हुए राहुल को 28 घंटे हो चुके हैं। उसको बचाने का प्रयास प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीम कर रही है। बताया जा रहा है कि वे राहुल के काफी करीब है, लेकिन बार बार चट्टान बाधा बन रही है। अब राहुल की सही लोकेशन ट्रेस करने के लिए वीएलसी का इस्तेमाल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए दीवार में एक बड़ा सा छेद किया गया है, इसी के सहारे कैमरे को अंदर डाला जाएगा। इसी विशेष कैमरे से दीवार या चट्टानों के उस पार से आने वाली आवाजों को आसानी से सुना जा सकता है। कैमरे से आवाज सुनकर रेस्क्यू को आसान बनाया जाएगा। जवान इस वीएलसी कैमरे की जांच आवश्यक तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले जवानों ने ब्राई बटर का इस्तेमाल किया था। वहीं राहुल की हालत फिलहाल ठीक नहीं है, उसे सुबह फ्रूटी पीने के लिए दी गई और उसने नहीं पिया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि राहुल की हालत डल जरूर है पर वह ठीक है और हम उसकी आवाज सुन पा रहे हैं। ठगी का मामला। कार बेचने के नाम पर 2.25 लाख ठगने वाला राजस्थान से गिरफ्तार। कोतरा रोड थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण से कार बेचने के नाम पर 2.25 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार किया है। वारदात 20 जुलाई 2021 को हुई थी। छल के ग्रामीण ने फेसबुक पर कार का एड देखकर संपर्क किया था। डील पक्की होने के नाम पर ठग ने ग्रामीण से रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कराए थे। रमेश पटेल ने ठगी करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि फेसबुक पर एक कार का एड देखा, कार उसे पसंद आई तो उसने संपर्क किया। यह एड दरअसल ठगों के समूह ने डाला था। बात हुई, ठगों ने कहा कि डील पक्की है, खाते में 2.25 लाख रुपए डलवाए। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ढूंढी। कोतरा रोड पुलिस की टीम राजस्थान के अलवर के रामगढ़ थाने पहुंची। यह सिम के उपयोगकर्ता आरोपी नसीम खान को हिरासत में लिया गया है, उसे रिमांड पर भेजा गया है। कई राज्यों में आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। प्रशिक्षण आईपीएस प्रभात कुमार के साथ कोतवाली कोतार रोड थाने के पुलिसकर्मी साइबर सेल के कर्मचारी हाल में ही साइबर ठगी के मामले में जांच के साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में दबिश दे रहे हैं। आज की खास खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव की सच जरूरी है। नमस्कार।